नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। पैमाइश को लेकर पीड़ितों एवं जसपुर तहसीलदार के बीच हुई तीखी नोकझोंक से पीड़ित और तहसीलदार आए आमने सामने। जैसा कि विदित है कि इन दिनों गांव पतरामपुर का प्रकरण काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा तो पीड़ितों को न्याय दे दिया गया है, परंतु जसपुर राजस्व प्रशासन इस दिए न्याय की अवहेलना करते हुए पीड़ितों को प्रताड़ना पहुंचा रहा है। आपको बता दें, दरअसल ये पूरा प्रकरण पिछले साल बीती 29 मई 2023 का है, जब उस समय के तत्कालीन जसपुर उप जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान वर्षों से खसरा नंबर 287 में रहते चले आ रहे पीड़ितों के मकान एवं दुकानों को ध्वस्त कर उनको बेघर कर दिया था। इसके पश्चात सभी पीड़ितों ने न्यायालय की शरण में जाकर जसपुर उप जिला अधिकारी आदि विपक्षी गणों के खिलाफ बात दायर किया था, जिसमें न्यायालय द्वारा करीब डेढ़ साल बाद मुकदमे की सुनवाई कर पीड़ितों को न्याय देकर 1 अक्टूबर 2024 को पीड़ितों को पुनः निर्माण करने एवं उप जिला अधिकारी जसपुर आदि को हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश पारित किया है। लेकिन बावजूद इसके भी वर्तमान जसपुर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल अपनी टीम एवं पुलिस फोर्स के साथ छुट्टी के दिन मौके पर पहुंचकर न्यायालय के संरक्षण एवं आदेश के अनुपालन में पीड़ितों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया। जब पीड़ितों द्वारा उप जिला अधिकारी से पूछा गया कि आपके पास काम को रुकवाने कोई आदेश है तो दिखाएं, इससे बौखलाकर उप जिला अधिकारी ऐसा कोई आदेश नहीं दिखा पाए और कहने लगे, आप खसरा नंबर 287 की जगह खसरा नंबर 290 में निर्माण कर रहे हैं, जो गलत है, बंद करो और पहले पैमाइश की जाएगी, उसके पश्चात कार्य को पुनः शुरू करा दिया जाएगा। उप जिलाधिकारी के 2 दिन में काम पुनः शुरू कराने के आश्वासन पर पीड़ितों ने 2 दिन अपना काम बंद कर दिया था, लेकिन उप जिला अधिकारी द्वारा दिए गए तय समय के अनुसार पैमाइश को खुद मौके पर न जाकर एक तरफ तो अपने असबड़ी ही कार्यालय में बैठकर मीडिया के सामने बयानबाजी कर उप जिलाधिकारी स्वयं कह रहे हैं कि 2 साल पूर्व भी पैमाइश की जा चुकी है और फिर भी वह पैमाइश कर रहे हैं, लेकिन बाहरी लोगों के विरोध के कारण पैमाइश नहीं कर पाए। जबकि वही दूसरी तरफ इसी संबंध में अपने स्थान पर पैमाइश करने के लिए भेजी जसपुर तहसीलदार शुभांगिनी सिंह ने स्वयं मौके पर जाकर पीड़ितों से कहा, उनके लिए नहीं आए हैं और न ही पीड़ितों को संतुष्ट करना है, यथा पीड़ितों के नंबर से उनको कोई मतलब नहीं है, वह अपने खसरा नंबर 290 की पैमाइश के लिए आए हैं, कहती नजर आ रही है। दोनों अधिकारियों के ये कथन नीचे दिखाई जा रही खबर में साफ साफ नजर आ रहे हैं, जिसमें दोनों ही अधिकारी पैमाइश को लेकर अलग अलग सुरों में बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे पीड़ितों को पैमाइश के नाम पर गुमराह कर भटकाया जा रहा है और न्याय से वंचित रखा जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि दोनों अधिकारियों के कथन हैं, जो स्वयं बोल रहे हैं। इसी दौरान तहसीलदार द्वारा की जा रही पैमाइश को पीड़ितों ने गलत बताकर तहसीलदार से न्याय की गुहार लगाते हुए पैमाइश को लगे पुराने सरकारी हद्दों एवं सही ढंग से पैमाइश करने को लेकर बात कहते हुए तहसीलदार का विरोध किया। इस पर मामला इतना तूल पकड़ गया कि तहसीलदार एवं पीड़ितों के बीच हुई तीखी नोकझोंक से पीड़ित और तहसीलदार आमने सामने आ गए, जिसके चलते तहसीलदार बिना पैमाइश किए ही अपनी टीम के साथ वापस लौट गई। अब देखना यह है कि क्या इस चर्चित प्रकरण में पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा। जो अधिकारी इस चर्चित प्रकरण में पीड़ितों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो क्षेत्र की आम जनता क्या गुहार लेकर इनके पास जाए और पीड़ितों को क्या न्याय देंगे। देखिए, खबर में दिखाया जा रहा है कि किस तरह पैमाइश को पीड़ितों एवं तहसीलदार के बीच तीखी नोकझोंक के चलते पीड़ित और तहसीलदार आमने सामने आ गए हैं और दोनों ही अधिकारी पैमाइश को लेकर अलग अलग सुरों में बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और जसपुर तहसीलदार बिना पैमाइश किए ही अपनी टीम के साथ वापस लौटती नजर आ रही है, जिसके कारण पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और गुमराह होना पड़ रहा है। देखिए और गौर से सुनिए खबर में दिखाई जा रही पूरी घटना। इस दौरान पीड़ित गण, समस्त ग्राम वासीगण, स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। क्या ये सरकारी हद है? सरकारी हद नहीं, रोड तो चक्कर नहीं है। आपने संतुष्टि किसकी करनी है? मेरी बात सुनिए, नहीं नहीं मैडम, पाकिस्तान में हमारी संतुष्टि आपने करनी है। 290 नंबर नाप रही हूँ, मेरा आपके नंबर से कोई मतलब नहीं है। आप लोग मैडम,
अभी आपने क्या कहा मैडम, महिला को हमने हाथ नहीं लगाया, ना लगा सकते चलिए प्रशासन बिल्कुल धक्केशाही पे उतारू है, ना तो ये कोर्ट के निर्णय को मान रहे हैं और ना किसी चीज को। मैडम ने साफ कहा हम आपके लिए नहीं आए, हम अपनी बात किसके लिए आए हैं पता नहीं जी, क्या दबाव है इन पे किसके लिए आए हैं। बाघ ना बाघ किस आदमी का है, प्रशासन हमें बताया निर्माण का ये ऑर्डर 287 नंबर बतरामपुर का 287 में निर्माण का होगा सरकार बनाने में नहीं दे, हम अपने खर्चे से बना रहे हैं तो भी नहीं बनाने दे रहे। निर्माण का मतलब जहाँ पहले था वहाँ निर्माण हो, दुनिया का खेत ना पता नहीं क्यों एक एक बाघ जैसा हो गया जो प्रशासन वाले ने ना अपना बड़ा की कर रखी है। अजम साहब को सर हम इस टाइम संतुष्ट नहीं है, बाहर की टीम आए उसको ना बताया जाए, उसको नक्शा दे दिए वो अपना कहां से नाता है जो नियम तो जो नाता है सर, ये आप इस पर संतुष्ट नहीं ना, उसमें कहीं सरकारी खाते से हमारी नपट जाते हैं संतुष्ट नहीं है। आप लिखित हो ना, अजम साहब हमारे हमें तो पहले फैसला कोर्ट का है, बड़ा हमके धक्के हमारे ये खड़े धक्के जिन्हें रोक हमारे समझ में आई कोर्ट की तो वैल्यू नहीं बनाने का नहीं सर। अब आप लोग जबरदस्ती हो रही है ना, यही टीम बचा हुआ है ना आपके, ये भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडा गर्दी नहीं चलेगी, गुंडा गर्दी नहीं चलेगी, कोर्ट का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कोर्ट का अपमान नहीं सहेंगे, गुंडा गर्दी नहीं चलेगी, धक्केशाही नहीं चलेगी, गुंडा गर्दी